हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी ईएमसी वर्कशीट नंबर 16, जो हमारी ईएमसी वर्कशीट नंबर 15 से आगे कंटिन्यूएशन में है, क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक सोच पार्ट 2, जिसमें हमने अलग अलग न्यूज़ को देखा था, अलग अलग खबरों को, अलग अलग सुनी हुई बातों को जानने की कोशिश की थी कि वो सही है या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षा करना, एनालाइज करना, उसके पीछे तथ्य है या नहीं ये जानना कि वो बात कितनी सच है, उसका प्रमाण क्या है, उसे समझना कि वो उसके नकारात्मक या सकारात्मक क्या प्रभाव हैं। अब आइए उसी से आगे हमारा जो पार्ट 2 है उसको करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण के, बिना उसके सारे पहले समझे माने लेना, कुछ भी जाने निर्णय ले लेना, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है बेटा। जल्दबाजी में हम जो निर्णय लेते हैं कई बार वो हमारे लिए घातक होते हैं। तो हर सिचुएशन को, हर समस्या को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, उसकी समीक्षा करोगे, तो आप समाधान आसानी से ढूंढ पाओगे। तभी तो आप प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी बना पाओगे। देखिए, प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम है जो उससे घबरा जाते हैं, लेकिन उसके लिए अवसर है। जैसे कि अब ये अवसर के, अगर आपने प्रॉब्लम को अवसर बना लिया, उसको चेंज करना है आपको प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में, एक अवसर में, कि आपको अपनी क्षमताओं को दिखाने का एक मौका मिल रहा है, आप ये सोचिए। तो अब एक समस्या चुनिए और यह आपके आसपास, आपके स्कूल से संबंधित, आपके शहर, आपके किसी भी ऐसी किसी के भी बारे में हो सकती है, किसी सदस्य के बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, और आप किसी एक सदस्य को, दोस्त को या पड़ोसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। तो देखिए, सोच लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको सोच लेने के बाद नीचे बादल दिए हुए हैं चित्र में, उसके अंदर आपको समस्या से जुड़े सवालों पर सोचकर उनके बारे में जवाब या ख्याल चित्र में बादलों में लिखने हैं। जैसे कि समस्या का मुझे पता, समस्या के बारे में अभी मुझे क्या पता, क्या क्या पता है, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, यह समस्या मुझे किस प्रकार आप पे इफेक्ट डाल रही है, क्या प्रभाव डाल रही है आप पे, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या ये बाद में भी किया जा सकता है, यानी कि उसकी प्रायोरिटी कितनी है, कितना ज़रूरी है इस काम को करना, ये काम आप पर क्या असर डालता है, या आपके परिवार पर, किसी पर, सदस्य पर क्या असर डालता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना होगा जो आपको लगता है कि इस पे स्टेप बाय आपको प्लान करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमने आज की समस्या को ले लिया, जो अब सभी के लिए, एक तो COVID-19 का फैलना, स्प्रेड, और दूसरी समस्या अभी देखिए, एयर पॉल्यूशन फिर से बढ़ गया दिल्ली में। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, आप सभी अपने वर्कशीट्स में भी पढ़ रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता चला जा रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने उसके लिए देखिए, अब हम जो अभी चलने वाले हमारे हैं, या तो हम कोविड का ले सकते हैं, कोविड 19 ले सकते हैं, या एयर पॉल्यूशन ले सकते हैं कि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन का जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का, वो कितना खराब होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हमने किया, हमने क्रैकर्स के लिए से नो टू क्रैकर्स कहा, डस्ट पार्टिकल्स ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो तो 5% है बेटा, उसके साथ जो हमारा मेन 33% है वो हमारे व्हीकल्स के एमिशन से है। तो व्हीकल्स के लिए आप कार पूल कर सकते हैं, या आसपास जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कार पूल की जा सकती है। अभी आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी ने निकाला कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आप अपने इंजन को बंद कर दीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वो जो इंजन बंद करने से कुछ एक मिनट, दो मिनट, जितने की भी रेड लाइट है, उतनी देर जब हर गाड़ी बंद होगी तो बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कार पूल का मतलब होता है अगर आप एक ही स्थान पर सब कुछ लोग एक साथ जा रहे हैं तो हमें एक ही व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हम लोग अगर आसपास जा रहे हैं तो हमें स्कूटी, बस, इन चीज़ों, स्कूटी या गाड़ी, इनका इस्तेमाल ना करके पैदल भी जा सकते हैं, हम साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह की आपकी समस्या जो आपको सोचनी है, फिर उसके बाद इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली,
क्या आप कोई दो ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे, अब आपको क्या पता चला इन दो बातों से, ये जो आपने इतना सोचा इससे? बेटा आप जब सब जागरूक हो जाएंगे तो आपका ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। जागरूकता क्यों लाते हैं? जागरूकता हमें उस ओर ध्यान दिलवाती है जो हम कहीं ना कहीं अपनी जल्दबाजी में, अपनी जो दिन प्रतिदिन की जो हमारे काम है उसमें हम सब भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को अस्थमा की दिक्कत है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो हम लोग जब जागरूक होते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो एफर्ट्स करते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण जो होता है वो हमारा सकारात्मक होता है, तो जागरूकता होगी तभी दृष्टिकोण में बदलाव होगा। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, आपको दो चीज़ें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपना सोच के लिखेंगे, सिर्फ हम आपको एक डायरेक्शन देते हैं बेटा ये वीडियो बनाकर। समस्या का सही सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्या को गहराई से समझें, और इस प्रक्रिया में हम जब समस्या को गहराई से समझते हैं तो बेटा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। यही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में गहराई से सोच पाते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी हासिल करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या असर है हमारे पे। अब देखिए आइए अब तक एक केस स्टडी पढ़ते हैं जो उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोच कर जवाब देते हैं। केस स्टडी नीचे जो दी गई है देखिए, मार्केट में स्ट्रॉन्ग विटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है, चूंकि इसके मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं, स्ट्रॉन्ग विटा कंपनी ने स्कूल के बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया। प्रचार के किन दिन के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध में साथ मिलाकर पीने से ना सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होता है, उन्हें एनर्जी मिलती है, बल्कि उनकी हाइट भी बढ़ती है, और इस समय में बच्चों को सबसे ज़्यादा ये लगता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर की अलग अलग कमियों को पूरा करते हैं। कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग विटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की, वो क्योंकि वो अपनी सेल बढ़ाना चाहते थे, पहले अपनी चीज़ों की अच्छाई बताई। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए, स्ट्रॉन्ग विटा खरीदने के लिए राजी भी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होने, ऊंचाई बढ़ाने के दावे ठीक होंगे। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब यह सब डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि कंपनी कह दिया तो वह सच होगा। बेटा वो कभी ज़रूरी नहीं है किसी ने कहा तो वो सच है। उनका मानना है कि इस हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए, और उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ जानकारी लेने का निश्चय किया। यहाँ पर आ गई बेटा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग विटा कंपनी के दावों में विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे, वो आंकड़े जिसके मार्केट में स्ट्रॉन्ग विटा बिक्री के बारे में पता चलेगा, फिर दूसरा वो आंकड़े जिससे स्टूडेंट इस दावे को मानते हैं, या किसी का एक्सपीरियंस, वो आंकड़े जिन कितने लोग स्ट्रॉन्ग विटा के उपयोग के बाद लंबे हुए, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप उनके कंपनी के लोगों से पूछोगे। फिर स्ट्रॉन्ग विटा से पीने से लंबे होने के दावे समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे, इस दावे से जुड़े कुछ सटीक सवालों की जानकारी इकट्ठा करें, इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करें, इस दावे से जुड़े हुए विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो बेटा जब इस तरह से आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ये सब क्या हैं, ये एड्स चलाते हैं, हमारे टीवी में एड्स आती हैं और उन एड्स के माध्यम से ही वो बच्चों को प्रभावित करते हैं और बच्चे फिर वो लेने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता। सबसे पहले हमें किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर नहीं विश्वास करना है, उसके प्रमाण को जानना है, हो सके तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से उसके बारे में बात करनी है। देखो कंपनी ने अपनी चीज़ बेचनी है तो वो उसके लिए अच्छा अच्छा बताएंगे, लेकिन हम ग्राहक हैं, हम उपभोक्ताओं को क्रिटिकली एनालाइज करना है, और साथ ही साथ जितने ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट क्या है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा सस्ता है लेकिन अच्छा रिजल्ट है उसका, पहले इन सब चीज़ों को अगर हम जब एनालाइज करते हैं तो इसी को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमारे पास पॉसिबल क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले आप अपने ऑप्शंस को एनालाइज करोगे। आपकी प्रॉब्लम ये रही कि आपने चेक करना है कि ये स्ट्रॉन्ग विटा या बॉर्नविटा कितना इफेक्टिव है, फिर पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, फिर ऑप्शंस के पॉजिटिव
और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जब आप इसको एनालाइज करोगे तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग से हमारा क्या नेक्स्ट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग ही है जो आप क्रिटिकल थिंकिंग ही आगे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आप सही डिसीजन ले पाएं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और डिसीजन जो ले पाता है वही हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज कर पाता है। हर प्रॉब्लम को भी वो अपॉर्चुनिटी, बेटा समस्या को भी अवसर में बदलना आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। और डायरेक्शन कौन दे पाता है, जिसको रास्ता पहले वो एनालाइज करता है, समीक्षा करता है किसी भी चीज़ की। और यही आपको सिखाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ पे आपको बिलीव ना करके उसके सही गलत सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को जानते हुए उसके बाद ही आपको वो काम करना है। और डिसीजन मेकिंग ही बाद में आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है कि हमें कौन सी सिचुएशन में किस स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसी को बोलते हैं 21st century स्किल्स। आप 21वीं सदी में चल रहे हैं और ये 21वीं सदी की स्किल्स हैं, 21st century स्किल्स जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है। 21st century जो हम आज यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आज के चेंजिंग वर्ल्ड मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में उसको मेंटेन करने के लिए। ये आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट है जिसमें आपको पता है, आप सभी जानते हैं 21st century स्किल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, तो इसमें ही आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये सभी डेवलप करने के लिए ही आपके वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं। अब है कि अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन आपका 19 नवंबर दोपहर 4 बजे निर्धारित हुआ है, जो आप SCERT के यूट्यूब चैनल पर इस लिंक के द्वारा देख सकते हैं। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं और आगे आप COVID-19 से संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मास्क भी पहनेंगे, साथ ही साथ शारीरिक दूरी जो 6 फीट या 2 गज की दूरी है उसका ध्यान रखेंगे, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएंगे, ताकि हम सभी जागरूक बने रहें। देखिए, इस सिचुएशन को भी क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होके चलना है, हमें उसे फैलने से रोकने के लिए इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए खुद भी जागरूक रहना है, अपने जागने वालों को, अपने सामने किसी को भी आप देखते तो उन्हें टोकना है, उन्हें भी जागरूक करना है कि हम COVID-19 को जल्दी से जल्दी हरा सके। तो इसी तरह बेटा, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बी इन टच विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। बेटा आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आपने सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करा होगा, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही मैसेज आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।